मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, और अभी आपको जैसे कि मैंने दिखाया कि हमारे झारखंड की तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और फिर अचानक से दो तीन दिनों से इतनी ज्यादा धूप हो रही है, तो इस तरह का जो वेदर चेंज होता है इस टाइम पे मेरे लिप्स बहुत क्रैक करते हैं, फटने लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो आप लोगों का भी आई होप होता ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे अभी विंटर आने वाले हैं तो फिर हमारी जो लिप्स है वो फटने लगते हैं और मुझे ड्राई लिप्स और जो क्रैक आ जाता है वो बहुत पेनफुल होता है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे अपने लिप्स जो है वो सॉफ्ट सप्पल पसंद है, तो आई होप आप सबको पसंद होंगे, क्योंकि किसी को भी ड्राई लिप्स नहीं पसंद। किसी से आप बात कीजिए और आपके अगर लिप्स फटे हुए हैं या फिर ड्राई हैं, उसमें से चमड़ी निकल रहे हैं, तो वैसे में आपका इम्प्रेशन तो खराब होता ही है। आपकी जो लिप्स जो क्रैक हुई है उससे पेन भी बहुत होता है। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने लिपस्टिक लगाया है, बट नहीं, मैंने लगाया है लिप बाम। ये है मामा अर्थ का बीटरूट लिप बाम, तो ये मैंने यूज किया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा हल्का सा टेंट आपको दिख रहा होगा मेरे लिप्स पे। और ये सुपर मॉइस्चराइजर लिप बाम है, मेरे पास है नरिशिंग लिप बाम और ये है बीटरूट और चेरी टिंटेड लिप बाम। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये है मामा अर्थ का बीटरूट 100% नेचुरल लिप बाम विथ बीटरूट एंड वी वैक्स, और ये है मामा अर्थ का चेरी टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम विथ चेरी एंड कोकोनट ऑयल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में आए हैं ये। 12 आवर तक मॉइस्चराइज रखते हैं, 100% नेचुरल है, मेड से सर्टिफाई है और क्वांटिटी जो है वो 2 ग्राम की है। आप देख सकते हैं इस तरह से पैकेजिंग है और इनकी जो MRP है ये है 299। क्रुएल्टी फ्री और वेगन प्रोडक्ट है, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए हैं, किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल इसमें यूज नहीं हुआ है। पैकेट के पीछे से आप देख सकते हैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं और सारे टिप्स भी दिए हुए हैं कैसे आप सॉफ्ट और सफल लिप्स को बना सकते हैं, तो आप एक बार जरूर इसको रीड कीजिएगा। और ये है मामा अर्थ का नरिशिंग टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम विथ विटामिन ई एंड स्ट्रॉबेरी, और ये है मामा अर्थ का नरिशिंग टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम विथ विटामिन ई एंड रसबेरी, और ये भी 100% नेचुरल है और मेड से सर्टिफाई है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 ग्राम की है, आप देख सकते हैं, और इस तरह की क्यूट पैकेजिंग में आती है ये। इसकी जो MRP है वो जस्ट 199 है, क्रुएल्टी फ्री है और वेगन प्रोडक्ट है, और आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ड्राई क्रैक चैप लिप्स को हील करता है और नेचुरल टिंट देता है। इसे 15 के ऊपर के सभी मैन वुमेन यूज कर सकते हैं। ये नेचुरल लिप बाम है, मेड सेट सर्टिफाई है और लिप्स को नरिश करते हैं, प्रिवेंट करते हैं पिगमेंटेशन को, और मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट से बने होते हैं, और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है। मामा अर्थ जितने प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट में ही गुडनेस नहीं है, ये अपने वैल्यू के लिए भी स्टैंड करते हैं, जैसे कि इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे एक ट्री के साथ लिंक कर दिया जाता है जिसे मामा अर्थ प्लांट करते हैं, और 2025 तक इनका एम है कि ये 1 मिलियन ट्री प्लांट कर लें। ये लिप बाम आपके चैप लिप्स को नरिश करते हैं, सूद करते हैं, सॉफ्ट प्लम्पी लिप्स प्रदान करते हैं। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, purple.com और मामा अर्थ के वेबसाइट और मामा अर्थ के ऐप पर तो अवेलेबल हैं ही, अब आपके लोकल मार्केट में ये अवेलेबल हैं। अगर आप लोकल मार्केट से परचेस करते हैं या देखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगर परचेस करना चाहते हैं मामा अर्थ के ऐप या मामा अर्थ के वेबसाइट से तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है Moni2023, जिससे मिलेगा आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट, और सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये आए हैं इस तरह के क्यूट से पैकेजिंग में और मैं अभी इसको यूज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ ये चेरी टिंटेड लिप बाम, और ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ब्यूटीफुल है। और आप ये देख सकते हैं हल्का सा टिंट आया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, और इसे आप फ्रेंड्स के साथ जब भी आप लंच वगैरह पे जाते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, एकदम नेचुरल लुक लगेगा और लाइट पिंकिश कलर का आपका लिप्स भी लगेगा। और अब मैं यूज कर रही हूँ ये बीटरूट का टिंटेड बाम, और इसका जो कलर है ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको अभी लगा रही हूँ घर पर भी, बट आप मूवी डेट वगैरह पे इसको यूज कर सकते हैं, इसका कलर बहुत प्यारा आता है।
आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा जब आप इसको यूज करते हैं। अभी मैं ये नरिशिंग लिप बाम अप्लाई करके बताती हूँ। ये डेली यूज के लिए परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। ये विटामिन ई के साथ स्ट्रॉबेरी और इस तरह से है इसका कलर। और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, आप इसको डेली यूज में घर पे यूज कर सकते हैं और इसे मैन वुमेन कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कलर वैसा नहीं आ रहा है। जस्ट आपको सॉफ्ट सा फील होगा और आपके लिप्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट सपल लगेंगे। और अब मैं यूज कर रही हूँ नरिशिंग टिंट बाम मामा अर्थ का। ये है विटामिन ई और रसबेरी के साथ और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। इसमें हल्का सा पिंकिश कलर आता है रसबेरी वाला में, तो इसे आप डेली में घर पे लगाएंगे तो हल्का सा पिंकिश आपकी लिप्स लगेगी। तो अगर आप परचेस करते हैं मामाअर्थ के वेबसाइट या मामाअर्थ के ऐप से तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा उससे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और मैं नहा के पूजा हो गई है मेरी जितिया की। आज पारण है और पारण 10:30 बजे के बाद करूंगी क्योंकि 10:32 में शायद अष्टमी छूट रहा है, मतलब उतने देर तक अष्टमी है तो तब तक मैं नहीं कुछ खाऊंगी, उसके बाद फिर प्रसाद खा के पारण करूंगी। और बस अभी अभी पूजा हुई है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि बहुत तरह का सब्जी और खाना बनता है आज जितिया के दिन। और ये जो फेस्टिवल है इसमें खाने का बहुत महत्व होता है, बहुत तरह की सब्जी खाना सब बनता है और मेरे अगल बगल से बहुत खुशबू आ रही है, सबके घर में खाना बन रहा है तो मैं भी जा रही हूँ अभी खाना चढ़ाने। और क्या क्या बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, पहले मैं आपको अपने मंदिर में दर्शन करवाती हूँ। और ये प्रसाद जो कल रात को चढ़ाया था मैंने वो उठा दिया है और 10:30 बजे के बाद मैं पारण करूंगी प्रसाद खा के। और फिलहाल अभी सुबह की जो पूजा है वो मेरी हो गई है और आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर में। और मैं बना रही हूँ खाना और एक तरफ चावल चढ़ाया है और थोड़ा सा ये मूंग और चना जो है वो मैं थोड़ा सा भून रही हूँ नाश्ता के लिए, मतलब अभी हम लोग ब्रेकफास्ट यही करेंगे। और एक तरफ तेल जो है वो मेरे गरम हो रहे हैं, मछली फ्राई करना है मुझे क्योंकि आज हम लोग पारण के दिन मछली खाते हैं, तो ये एक मेन है सब्जी जो कि बनना ही बनना रहता है, मछली और लाल साग, तो ये दो चीज़ ज़रूर बनता है। तो मछली मैं फ्राई कर रही हूँ और तीनों ही गैस में लगा हुआ और कुछ मछली जो है मेरी फ्राई हो चुकी है और बस थोड़ा सा बचा है। और किशन भी आए हैं अभी ऑफिस से तुरंत, तो मैं चना फ्राई करके उनको दूंगी अभी। और किशन खा रहे हैं चना और मूंग जो मैंने फ्राई किया था वो, और दही खा रहे हैं कटोरे में और प्रसाद खाया उन्होंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कटोरे में यहाँ पे मूंग और चना को दही और गुड़ के साथ इस तरह से मिक्स करके हम उसको खा के पारण करते हैं प्रसाद। और आज लाल साग बनेगा तो लाल साग किशन लाए हैं अभी, तो उसको भी काटूँगी और बनाऊँगी। तो प्रसाद मैंने रखा है क्योंकि अभी 10:30 नहीं बजा था और 10:30 बजेगा उसके बाद ही मैं पारण करूँगी। और किशन ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं ऑफिस और मेरा भी पारण हो चुका है, मैंने प्रसाद खाया, पानी पिया और वो जो मूंग चना फ्राई किया था वो भी खाया थोड़ा सा। और अभी मैं लंच की तैयारी में लगी हुई हूँ क्योंकि थोड़े बहुत तो लंच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंच आई बहुत तरह का खाना बनता है तो कुछ कुछ बना रही थी। और अभी मैं साग चुन रही हूँ, साग भी बनाऊँगी क्योंकि आज जो है सबके घरों में बहुत तरह की सब्जी बनती है तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। बच्चे थे तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि बच्चे लोगों का डिमांड होता था कि मम्मी ये बनाओ वो बनाओ। अभी मैं और किशन दो ही जन हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, तो क्या क्या बनाऊँगी वो तो शेयर करूँगी ही, तो वही मैं लगी हुई हूँ अपना लंच बनाने में।
वेकेशन के लिए भी परोस दिया है। और यहाँ पे है मेरा लंच, और लंच में मैंने बनाया है चावल, ये मछली फ्राई है, कुंदरी भाजा है, और ये है चना मूंग का सब्जी, ये है लाल साग जो कि आज कंपलसरी है खाना, और ये है टमाटर की चटनी और मछली। तो ये है हमारा आज का जितिया स्पेशल लंच। तो फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।